अंग से इच्छा द्वेष के लपेट में बार बार जन्मते बार बार मरते, कितना भी पढ़ते कितने भी डॉक्टर बन जाते, वकील बन जाते, मंत्री बन जाते, उद्योगपति बन जाते, लेकिन दुखों से नहीं छूटते और बेचारे अंत में पछता के मर जाते। बोलो, इसमें ताली क्या बजाना है? रोना है कि मनुष्य जन्म मिला। बार बार ताली तो मूर्ख लोग बजाते बिना समझ के, और तुम बच्चे तो समझदार है, और नेता को पटाने के लिए ताली बजती है। मुझे पटाना है क्या? तुम मुझे पटाना मत। मैं तुमको नहीं पटाता तो तुम मुझे काहे को पटाते? नेता पब्लिक को पटाता, पब्लिक नेता को पटाती, तो ताली ठोकम ठोक माला पाइजे नहीं ताली, काहे करूं मैं ताली? तो अब क्या करना चाहिए? भगवान कितनी ऊंची बात कहते, इच्छा द्वेष समुत्थेना द्वंद मोहेना भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परम तपः। सब मोहित हो जाते, ऐसी मेरी माया है। मेरी माया कैसी है? बोले मुझ देव की है, अंतर्यामी परमेश्वर की। देवी हेशा गुणमयी मम माया दुरत्तया। ये दुस्तर है तरना, लेकिन सुंदर उपाय, जो मेरी शरण आ जाता है वो माया को तर जाता है। तो मेरी शरण अर्थात जो सत्य स्वरूप परमात्मा का संग करता है, सत्य स्वरूप परमात्मा को सार मानता है, वो परमात्मा आनंद स्वरूप है, सुख स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है, मेरे आत्मा है। कुछ पाकर कहीं जाकर कुछ भोकर सुखी होना ये तो विषय विकारों वाले का काम है। दिल्ले तस्वीरें हैं यार, जबकि गर्दन झुका ली मुलाकात कर ली। ध्यान अवस्थित गते न मनसा पश्यन्ति यम योगिनः यस्यान्तं विदुसुरा सुरगणा देवाय तस्मै नमो नमः। उस मुझ परमेश्वर के ध्यान से ज्ञान से इतना पूर्ण हो जाता है कि देवता भी उसका अभिवादन करके अपना भाग्य बना लेते, यक्ष गंधर्व किन्नर भी उसका दर्शन करके अपना भाग्य बना लेते। वह मुझ परमेश्वर चैतन्य का संग। तुम्हारे जीवन में संत का संग है कि नहीं? अगर है तो आप बहुत भाग्यशाली, अगर नहीं है तो आपकी स्थिति दयाजनक है, क्योंकि आप ईश्वर संग मिलेगा। और नश्वर संग, नश्वर पद और नश्वर वाहवाई में सर्गे यान्ति परम तपः। सर्वभूतानि सम्मोहम्, मोह माना उल्टा ज्ञान। जिसको छोड़कर मरना है उस शरीर को तो मैं मानेंगे, और जो तुम्हारे साथ चलेगी नहीं उस पदवी को और सत्ता को और धन को और वाहवाही को अपनी मानेंगे, तो ये बेवकूफी साथ में ही रहेगी। फिर वो राग द्वेष लेकर फिर कहीं जन्मेंगे और कहीं मरेंगे। ये बड़ा भारी घाटा रहे। कितना भी धन मिल गया लेकिन छूटेगा तो सही, कितना भी सत्ता मिली छूटेगी तो सही, कितना भी कुछ मिल गया ऐसा कोई फूल नहीं हो जो मुरझाए ना, ऐसा कोई शरीर नहीं जो मरे नहीं, ऐसा कोई मिलन नहीं जो बिछड़े नहीं। तो ये बिछड़ने और बिगड़ने वाले संघ का सदुपयोग कर ले, बहुतों के सुख में इसका सदुपयोग कर ले, बहुतों के दुख हरने में अपने हृदय को करुणामय करके रसमय बना दे। तो इन संगों का सदुपयोग होकर आपको सत्य सुख में सत्य ज्ञान में जगा देगा।
संग तो सबको होता है। अर्जुन को देखो, लाक्षाग्रह करने वाले दुर्योधन का संग मिला, युधिष्ठर को हरा दिया गया कूटनीति से, ये संग मिला कूटता का। 12-12 साल जंगल में द्रौपदी और पांडवों को शारीरिक कष्ट सहना पड़ा, आर्थिक कष्ट सहना पड़ा, संघ का कष्ट सहना पड़ा। कितनी ऊंची लेवल के थे और कितने छोटे छोटे आदमियों में जंगल के बीच रहना पड़ता था। ये सब होते हुए फिर युद्ध का बिगुल बजा, अर्जुन पट्टे ने ऐसे मौके में भी सत्संग करके और अपना काम बना लिया और सदा के लिए मुक्तात्मा हो गया। जो जाने सत्संग प्रभाव, लोकन वेदन आन उपाव। बोलते हैं कि भीष्म जी के चरणों में युधिष्ठर को भगवान ले गए सत्संग करो। सत्संग भगवान को भी प्रिय है, शिव जी को भी प्रिय है, कृष्ण जी को भी प्रिय है, राम जी को भी प्रिय है। भगवान राम जब गुरुकुल में पढ़ते तो वशिष्ठ मुनि जब सत्संग करते ना, तो राम जी सब काम छोड़कर वशिष्ठ जी के चरणों में सत्संग के लिए बैठते। और श्री रामचंद्र जी राजकाज करने के पहले, जब युवराज थे, राज तिलक होने की तैयारी थी, उसके पहले भी वशिष्ठ महाराज के चरणों में आते जाते थे सत्संग करते। तीर्थ यात्रा करने गए तभी भी संतों का संग किया राम जी ने। बोलते हैं कि संत सिद्ध मिलहिं परितेहि, चित्व ही राम कृपा करिजे। सिद्ध पुरुषों का संग उन्हीं को मिलता है जो भगवान की कृपा का चिंतन करते, जो भगवान को प्रसन्न रखने के लिए प्रयत्न करते, भगवान उनका कल्याण करने के लिए संतों का संग देते। अब मोहे भाव भरोसा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। विभीषण ने कहा कि अब मुझे भरोसा है कि भगवान की मुझ पर कृपा है, मैं भगवान का चिंतन करता हूं। बाकी तो हनुमान जी मेरी हालत कैसी है कि जैसे दांतों